सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कर सुंदर मौका को जाने दिया आपकी नजदीकी में आने के लिए, वचन की सेवा को लेकर प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है कि हमारा जीवन ये क्या है, युद्ध भूमि है, निकालेंगे इफिसियों 6 का मैं 12 से आपके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। प्रिय, आप जानते हैं हमारा जीवन एक युद्ध है जो कि सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। जैसे आप खुलती है, हमारे जीवन का युद्ध वहीं से शुरू हो जाता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि उठते ही हम कई बार लेट उठ जाते हैं, लेट उठते हैं तो घर में कुड़कुड़ाहट, जल्दी हड़बड़ाहट में ये सारे काम जो है सिर्फ यूँ ही फॉर्मल तरीके से हो रहे हैं। नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे कौन है? वो दुष्टता की शक्तियाँ हैं, वो शैतान की पूरी फौज है, वो दुष्ट आत्माएँ हैं जो हमारे जीवन को क्या करती हैं, गड़बड़ी के अंदर डालती हैं, जिनसे हमारा पर डे का युद्ध चलता है। जो कि जब प्रभु में नहीं थी तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि क्यों मैं हर समय चिड़चिड़ी रहती थी, क्यों हर समय मेरे अंदर गुस्सा भरा रहता था, फ़ोनों को पटकना, बच्चों को मारना कूटना, ये सारी चीज़ें क्यों थी मेरे अंदर। इन सब का कारण, इन सब का रीज़न मुझे खुदा के कलाम को पढ़ने से पता चला। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारे ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम समझते हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग से, दिन के शुरुआत से मैं बात करूँ आपको समझाने के लिए, तो हम जब सोते हैं भोर के समय, कई बार होता है कि हम उठते हैं लेकिन टाइम देखते हैं, अरे अभी 4 बजे हैं, सो जा, अभी 9 बजे हमने ऑफिस में जाना है, फिर 6 बजे आँख खुलेगी, फिर आवाज़ आएगी सो जा अभी तो बहुत टाइम है, 8 बजे भी उठेगा या उठेगी तो तू काम पर आराम से चला जाएगा। वो जब आप उस शैतान की सुनते हैं, इधर तो पवित्र आत्मा आपको उठा देता है, आपको वॉशरूम का ऑपरेशन लगेगा या कुछ भी, किसी भी रीज़न से वो आपको उठा देता है, आपकी आँख खुलती है आपके ऑफिस जाने से पहले परफेक्ट टाइमिंग पर। लेकिन शैतान वहाँ पर क्या करता है, कान में फुसफुसाता है, सो जा अभी थोड़ी देर और, सो जा अभी तो है टाइम। और जब सो जाते हैं, जब उसके कहने पर आ जाते हैं, तो जाओ उठना है हमें 7:30 बजे वहाँ पर हम उठ रहे होते हैं 8:15, पहुँचना है ऑफिस 9 बजे, अब नहाना भी है, धोना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी लेकर जाना है, सब कुछ करना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आँख खुलते ही वो शैतान का काम शुरू, क्योंकि शैतान के कहने पर उस युद्ध के अंदर हमने किसकी बात सुनी, उस शैतान की सुनी, और वहीं पर हम लोग क्या कर गए, गड़बड़ी में आ गए और लेट उठे तो हड़बड़ी में सारे काम होने, फिर जो काम ठीक होना होता है वो भी गड़बड़ी में हड़बड़ाहट में काम उल्टे हो जाते हैं, घर से निकलते हैं कुड़कुड़ाहट के साथ, गुस्से के साथ, आगे बस स्टैंड पे या गाड़ी पर जाते हैं, जाम मिल जाता है वहाँ और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, फिर ये लगता है ऑफिस में पहुँच जाएंगे तो बॉस की डांट, घर में आओ फिर वही झगड़े। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, ये तो डेली रूटीन की मैं बात आपसे कर रही हूँ कि डेली रूटीन में जो ये बातें होती हैं इनके पीछे का रीज़न क्या है। इनके पीछे का रीज़न ये है कि शैतान हमें क्या करता है, इतना हमें बिजी और इतना हमारे दिमाग को ख़राब करके रखता है कि हम अपनी आत्मा के बारे में सोच ही ना सकें, हमारे पास इतना समय ही ना रहे कि हम अपने लिए और अपनी आत्मा के लिए कुछ अच्छी बातों को सोच सकें, या कुछ अच्छी बातों को हम सुन सकें, या कुछ अच्छी बातों को हम पढ़ सकें। वो हमारे दिमाग को सिर्फ खराब ही करके रखना चाहता है, क्योंकि जब माइंड करप्ट होता है, माइंड खराब हो जाता है, तो मुँह से भी गलत वर्ड्स रिलीज होते हैं। ये आपको पहले भी बताया गया था कि हमारे मुँह से निकले हुए एक शब्दों का जो है वो इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, वही हमारा फ्यूचर बनते हैं। जब गुस्सा आता है, ना जाने हमारे मुंह से कितनी बातों को वो गलत निकलवाते हैं। नीति वचन में लिखा है कि मुंह के वश में ही जीवन और मौत है, जिंदगी और मौत है। ये जी भी है जो अच्छी बातों को इस जुबान से, अगर हम अच्छी बातों को बोलेंगे, आशीषित वचनों को बोलेंगे, लोगों के लिए ब्लेसिंग बोलेंगे तो वो आशीषित हो जाएंगे। और इसी जुबान से हम किसी के लिए बोलते हैं क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इतना गुस्सा करके जाता है, ये तो घर आए ना, ये तो ऐसा हो जाए, ये तो वैसा हो जाए। कितने अपशब्द हमारे मुँह से शैतान उस समय गड़बड़ी के अंदर निकलवा रहा होता। कहीं गुस्सा, अगर बॉस ने गुस्सा कर दिया तो वहाँ उस काम को लेकर हम लोग कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स को हम रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि शैतान की पॉलिसी यही है कि पहले आपको गुस्सा दिलाए और गुस्से के अंदर आप बेकाबू हो जाएं, और जो काम नहीं करने के वो काम आप करें, जो परमेश्वर को काम नहीं भाते उन्हीं काम को वो हमारे थ्रू कराता है।
ताकि हम पूरा दिन पूरी ज़िंदगी हमारी इन्हीं झंझटों में निकल जाए। पूरा दिन अगर हम देखें, जब अगर मैं अपनी बात करूं, प्रभु में नहीं थी तो पूरा दिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती रहती थी। सुबह उठना, बच्चों ने लेट उठना, वहाँ पर गड़बड़ी, बच्चे सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, स्कूल जाने में देर हो रही है, फिर पार्लर जाने में देर हो रही है, फिर पार्लर में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है। मतलब पूरा दिन कोई ना कोई एक टेंशन तैयार रहती थी, एक से निकलो दूसरी, दूसरे से निकलो तीसरी। हमें समझ ही नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा। दो मिनट भी अगर शांति से हम बैठ जाते थे ना कि आज तो कुछ अभी चलो ठीक है, वहीं कोई ना कोई ऐसा बवाल आकर खड़ा हो जाता था। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, ये शैतान की वो चालें हैं जो हमारे जीवन में वो चलता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम शांति से बैठ जाएंगे, हम कुछ अगर अपनी आत्मा के बारे में सोच जाएंगे, तो उसका काम जो हमारे जीवन में है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका पूरा गेम ये रहता है हमारे साथ कि हमें गुस्सा दिलाए, मुझसे गलत बातें निकलवाए, वो काम कराए हमारे बॉडी से जो खुदा को भाता नहीं, और अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी कहाँ हो जाए, नरक। शैतान नरक में ले जाना चाहता है। वो अपनी टीम को, वो अपने लोगों को अपने पास खींचता है, झूठ बुलवाता है, धंधलेबाजियां कराता है, और एक ही बात बोलता है, अरे दो और लोग भी तो कर रहे, कर लेना। जब मैं भी प्रभु में नहीं थी तो हम भी तो ऐसे करते थे, चलना यार वो लोग भी तो इतना कमा रहे हैं, इतनी सी क्रीम लाते हैं, इतना करते हैं, तू भी करना, दुनिया भी तो ऐसे व्यभिचार में पड़ी है, तू भी कर लेना, बड़ा कोई फर्क पड़ना है। जहाँ दुनिया जाएगी वहाँ हम भी चले जाएंगे, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, इन सब बातों को करते थे हम लोग भी। लेकिन जब प्रभु में आए, प्रभु ने चुना, प्रभु ने अपनी नज़दीकी में लाया, तो समझ में आया कि ये सब बातें क्या है, ये तो शैतान के एक बहुत समझी सोची चाल है, एक ये प्लानिंग है हमें वापस क्या करने, नरक में घसीटने के लिए, हमें उस गंदगी में, उस दलदल में खींच कर ले जाने की उसकी एक चाल है, उसकी एक चाल है। और जिसमें लोग आसानी से घुसते चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई चीज़ नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान बनाए। धर्म तो इंसानों ने यहाँ पर बना दिए। वो कहते हैं हमारा मल युद्ध किससे है, शैतान की शक्तियों से है। अब समझ में आता है, जब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, या मैंने जब आपको दो दिन पहले भी बच्चे की गवाही थी कि वो जब मेरे अगेंस्ट बोलता था या कुछ भी करता है, या मेरे पास और लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि दीदी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या मम्मी पापा के अंदर इस तरीके से करेशबाजी हो रही है, बेटे के साथ हो रहा है, तो उस समय एक ही वचन को क्लेम किया जाता है कि प्रभु उनके होंठ मुख जीभ पे आपके स्वर्गदूत का बाड़ा लगाती हूँ। उस वचन को मैं क्लेम करती हूँ, जहाँ लिखा मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती, लेकिन मुख से कहना यह वाक्य ओर से होता है। प्रभु इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ दोनों के लिए, और विश्वास करती हूँ उनके मन की युक्ति उनके मन में ही रहे और उनके मुंह से वो निकले जो आपकी ओर से। तो उसी टाइम इन विद इन अ सेकेंड झगड़े खत्म हो जाते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है, उनसे वो बातें निकलती ही नहीं है उनके मुंह से जो निकलनी चाहिए। अपने घर में भी मैं इन चीज़ों को देखी हूँ। जैसे मान लो अगर मैं नीचे प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, और ऊपर दोनों बच्चों में थोड़ी सी भी खटपटाट शुरू होती है, और फिर टाइम नीचे बैठे बैठे बजाय इसके कि मैं उनको चिल्लाऊं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पहले ही बेवकूफियाँ करती थी मैं। अगर इनकी लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने जानी तो एकदम से इनको बोल देना तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं वचन पढ़ रही हूँ, ये है वो है। लेकिन धीरे धीरे प्रभु के आत्मा ने सिखाना शुरू किया कि उनको बोलने से कुछ नहीं होगा, वो और भटकेंगे, बजाय इसके कि तो चुप करके मेरे साथ मुझसे प्रार्थना कर। और जब प्रार्थना करती हूँ सच में उसी टाइम कि प्रभु इन दोनों को आपके लोगों में ढापती हूँ, लड़ाई झगड़े करने वाली सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम में, और आपके पाक और सामर्थी लहू में इनको ढापती हूँ, और वचन को मैं क्लेम करती हूँ। जाने के मन की युक्ति मनुष्य के वश में होते, लेकिन मुख से कहने वाक्य होता है। विद इन अ सेकेंड, एक अपने कमरे में, दूसरा अपने कमरे में, शांत माहौल। क्योंकि परमेश्वर सच में जीना सिखाता है। वो पर डे का युद्ध है हमारे जीवन में, हम एक युद्ध भूमि में जी रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारे युद्ध किससे है। इससे हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे कुछ गलत बोल रहा है। अभी जो मैंने आपको गवाही दी कि दोनों बच्चे लड़ रहे होते हैं, कुछ भी इनकी स्टार्ट ही होता है, तो उसी से मैं प्रार्थना कर दी जाती है, शांत हो जाते हैं। या कोई अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ बोल रहा होता है, जब उनके लिए प्रार्थना कर दी जाती है, तो दोनों शांत हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि प्रार्थना करते ही तुरंत शांत हो जाते हैं? अगर लड़ाई सच में अंदर से गुस्सा भवार सही में है तो वो रहना ही चाहिए, वो चुप नहीं होने चाहिए। कई बार आपने अपने जीवन में नोटिस किया होगा कि छोटी छोटी बातें भी अभी में लड़ाई हो जाती है,
एक ऐसा तूफान मचता है, दूध के उबाल की तरह एकदम उफनते हैं और फिर एकदम से ठंडे होके बैठ जाते हैं, और जब बाद में सोचते हैं अरे बात का तो मुद्दा ही कुछ नहीं था, बस छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई हो गई, आधा घंटा पहले लड़ रहे होंगे, आधे घंटे के बाद वही पति पत्नी बैठकर चाय पी रहे होते हैं, एक साथ खाना खा रहे होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम गुस्सा उबाल मारता है और एकदम से शांत हो जाता है? क्योंकि वो शैतान की शक्ति है जो आपस में क्या करती है, वो एक होने नहीं देती है, वो एक होने ही नहीं देती है किसी को भी, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो एकजुट किसी को भी होने नहीं देती है, सब में खटपटाट को करा के रखती है। क्योंकि एकजुट होने पर वो कहते हैं ना कि उसकी उसकी नैया डूबने वाले काम हो जाते हैं, सिर्फ उसका एक ही मकसद रहता है, एक दूसरे के अंदर कड़वाहटों को भरे। सामने वाले ने कुछ बात नहीं भी कही होगी, वो बात हमारे जहन में वो डालता रहेगा, उसने ज़रूर ऐसे बात करी होगी तेरे बारे में, उसने कितनी बार ऐसा आपने सोचा होगा अपने लाइफ में। आप उन चीज़ों को अगर याद करें, अगर मान लो किसी ने कुछ गलत बोला, ठीक है उसने बोला कि नहीं बोला, लेकिन थर्ड पार्टी आपको अगर बता रही है कि यार उसने तेरे बारे में ना ऐसे बोला है, उसने बस इतनी ही बात बोली होगी, वो शैतान इतने से को चिंगम को इतना खींच देता है, नहीं उसने तेरे बारे में ऐसे सोचा होगा, फिर ये ऐसे हुआ होगा। ये मैं अपनी ही गवाही आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन जगह में तलाक हुआ, उसके तलाक का कारण ही यही शैतान था। अब समझ में आती है बातें, पति ने ऑफिस से अपनी शॉप से घर पे आना और सासू माँ ने मतलब उनके साथ बातें करनी, और शैतान मेरे दिमाग में क्या डालता था, देख अब ये दोनों माँ बेटा फिर शुरू हो गए, अब वो फिर तेरी शिकायत लगा रही होगी, अब फिर वो रात को अंदर आएगा तो फिर वो तुझसे लड़ाई करेगा, फिर तुझसे ये करेगा। वो बंदे बात कुछ और कर रहे होते थे, लेकिन शैतान मेरे दिमाग में इस तरीके से भरता था गंध को कि उनके कमरे में आने से पहले ही मैं गुस्से में भर जाया करती थी कि बस अब तो आ गए गुस्से में, अब तो फिर वही शुरू हो जाना है। वो कुछ बात भी बोलते थे तो वही गुस्सा एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी शैतान ने गंध भर रखा था, कूड़े से भर दिया। तो वो क्या होता, वो जैसे ही अंदर कोई भी थोड़ी सी बात उन्होंने बोलनी तो मैंने कह देना कि हाँ बस माँ ने सिखाया, माँ ने पट्टी पढ़ाई है पढ़ाया और आकर यहाँ पर अब शुरू हो गए हो बाप। क्यों? क्योंकि शैतान एक होने नहीं देता, वो किसी में प्रेम का आत्मा रहने ही नहीं देता। आदत और तलाकों के कारण शैतान है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के अंदर शक का कीड़ा डाल देना। वो चाहे बंदा किसी और से कैसी ही बात क्यों ना करो, लेकिन उसके दिमाग में डालेगा देख उसका जरूर उसके साथ कोई संबंध है, उससे ऐसे के बात करती है, उससे ऐसे के बात करता है, मेरे साथ तो करते ही नहीं है, मेरे साथ तो करते नहीं। ये सारा कूड़ा जो है ये शैतान हमारे अंदर डालता है, हमारे अंदर डालता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा युद्ध किससे चल रहा है। पर डे हम लड़ रहे हैं इन चीज़ों से, पर डे अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं, पर डे हमारे पास कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है। और बहुत से लोग तो घर में सुख शांति के लिए, अगर मैं ही अपनी बात करूं, दोनों बच्चे ना लड़े प्यार से रहे। मैं मुसलमान के पास गई थी कि कुछ जादू टोना कराने के लिए उसने कुछ पुड़िया सी बनाकर दी कि बच्चों के तकिए के अंदर रख तो ये बच्चे क्या करेंगे, शांत रहेंगे। क्या खाक शांत रहेंगे, उनका इफेक्ट 10 दिन 11 दिन तक रहता है, फिर वहीं का वहीं काम, क्योंकि इनकी लिमिटेशन होती है 10 दिन 11 दिन 21 दिन 41 दिन, उसके बाद चीज़ें बैक मारती हैं और डबल स्ट्राइक से अटैक मारती हैं। उन चीज़ों को मैं देखी हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जब प्रभु में आई, जब प्रभु ने इन बातों को सिखाना शुरू किया कि युद्ध किसी और चीज़ से नहीं, शैतान की शक्तियों से है, अंधकार की शक्तियों से है, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ प्रार्थनाएं करनी है, और यीशु के नाम से ही दुष्टात्मा थर थर कांपती है, यीशु के नाम से दुष्टात्मा थर थर कांपती है, और कोई नाम नहीं है जिसके नाम से दुष्टात्मा भागती हो। एक हमारे पास एक आज से 3-4 साल पहले की बात है, एक बेटी आई जिसके अंदर दुष्टात्मा बहुत ज़बरदस्त उसको जकड़ के रखा हुआ था, और उसकी मम्मी जब उसको लेकर आई, 4 जन उसको पकड़ के ला रहे थे तो भी काबू में नहीं आ रही थी वो। उसकी मम्मी से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है, कब से हो रहा है इसको? कह रही जब हो रहा था हमने वो हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ाया, सब कुछ कराया, लेकिन ये तो और एक्टिवेट होती चली गई। तो जैसे ही प्रार्थना करी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने उसको छुटकारे को दे दिया। यीशु नाम है जिसे दुष्टात्माएं कांपती है, उस नाम को छोड़ और कोई नाम नहीं है जिस नाम से दुष्टात्माएं भागे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में उथल पुथल मची है, बीमारियां दवाइयां खाने के बावजूद भी बीमारी नहीं जा रही है,
इवन छोटा सिर का दर्द है या पेट का दर्द भी है, खा रहे दवाइयाँ लेकिन असर नहीं हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर भी बोलता है भाई दुआ करो, दवा तो डेली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब दुआओं से कुछ हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जो बुद्धि देने वाला है वो परमेश्वर है। और जो हम डायरेक्ट उस परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, उस यीशु के नाम को पुकारते हैं, उन बीमारी की दुष्टात्माओं को घुड़कते हैं, क्योंकि बीमारी बीमारी नहीं ये डीमन के काम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुसकर बीमारियों के कारण बन के बैठ जाते हैं। क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ कि मेरे जीवन में ये घटनाएं घटी हुई थी, मुझे सर्वाइकल, मुझे माइग्रेन, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सर्वाइकल इस तरीके से था कि मैं फ़ोन पर दो मिनट भी देख नहीं सकती थी। बुक्स पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही अनहोनी बात हो गई थी कि मैं कभी पढ़ भी पाऊंगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जैसे प्रभु में आई। सिर्फ बाइबल को मैं, आप मुझे कितनी देर मर्जी आप बिठा लें, मेरी गर्दन में कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल को छोड़ अगर कोई और बुक्स को पढ़ने के लिए अगर नज़र को झुका भी लेती हूँ, मेरी गर्दन स्टक हो जाती है, क्योंकि खुदा ने अपनी चीज़ों के लिए उस चीज़ों को ठीक कर दिया। संसारी चीज़ों में करना भी चाहूँगी ना तो पाखरून गंदगी में जाने नहीं देता उसको, उसको काम करने ही नहीं देता कि तू ज़्यादा पढ़ या कुछ कर। उस सारा सर्वाइकल कहाँ गया, माइग्रेन कहाँ गया, सारी चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया। क्योंकि जब उसके लहू को पुकारा, उसके लहू से, उस लहू ने क्या कर दिया, हमें शुद्ध पाक साफ कर दिया, हर एक बीमारियों से आज़ाद कर दिया, हर एक दुष्टात्माओं से उसने आज़ाद कर दिया, उसने छुटकारा दे दिया, क्योंकि समझ में आ गया कि युद्ध किसका है और किससे है। जब उन बीमारियों की दुष्टात्माओं को घुड़का जाता है तो बीमारियाँ छोड़कर चली जाती हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले आपको गवाही दी कि एक बेटी का रात को फ़ोन आया कि उसका दवाई लेने पर भी बुखार नहीं उतर रहा था, उसको 5-6 दिन हो गए थे, लेकिन प्रार्थना करी तो तुरंत उसके बाद वो चंगी हो गई और दोबारा उसको फीवर नहीं चढ़ा। तो वो क्या था, वो दुष्टता की शक्तियाँ थी जो उसके साथ, उस बेटी के साथ काम करती। जब उसको घुड़का, उसको निकलने के हुक्म दिया यीशु मसीह के नाम से, तो वो चंगी हो गई। आज हम समझते हैं सामने वाले ने मुझे कुछ बोला तो वो इंसान गलत है, उसने मेरे बारे में बोला। नहीं प्रियो, इंसान जो सामने वाला बोल रहा है वो नहीं बोल रहा, अगर आपके लिए गलत बोल रहा है तो उसके अंदर होकर वो डीमन काम करता है। वही बात जो मैं भी आपको बता रही थी कि पति पत्नी के अंदर झगड़ा होता है और 1 घंटे के बाद वही पति पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो डीमन जो है एक दूसरे के अंदर घुसकर उतनी कड़वाहटों को भर देते हैं कि वही पति पत्नी जब लड़ाई हो रही होती है एक दूसरे को कोस रहे होते हैं, उस कोसने में ना जाने कितने श्रापों को रिलीज कर देते हैं, और वही 1 घंटे बाद एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे होते हैं। तो कोई अगर हमारे अगेंस्ट कुछ बोलता है तो इन बातों को समझे कि वो नहीं बोल रहा, वो शैतान उनमें होकर बोल रहा है, और हमें प्रार्थना ही करनी है बजाय इसके कि हम ये बोले उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। जैसे कि हम पहले करते थे, प्रभु में नहीं थी तो अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया तो इस बात को अंदर ऐसी गांठ बना लेनी कि जब वो बंदा दिखता था तो उसके बारे में खुंदक ही आ जानी, और सालों साल तक भी इस बंदे की बातें याद रहनी, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, मुझे उससे ये बातें नहीं करनी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे वैसा क्यों बोला। अब समझ में आता है कि उसमें होकर बोलने वाला कोई और नहीं, शैतान का आत्मा था। अब समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कि हमें उसके लिए प्रार्थना करनी कि शैतान की सारी शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम में घुड़कती हूँ। इवन आप कहीं पर भी जाती हूँ, और मैं अपनी फैमिली के अंदर भी जाती हूँ तो प्रार्थना करके जाती हूँ, प्रभु अगर कोई भी अंधकार की शक्ति हम में किसी में फूट डालने का प्लान करके बैठी है, हम भाई बहनों के अंदर कोई ऐसे मन मुटाव को, ऐसी बात को लाने का प्लान करके बैठी है कि हम दोनों में, हम तीनों भाई बहन भाइयों में या भाभी में किसी में भी खटास आ जाए, तो यीशु की मसीह के नाम में मैं उनको कैंसिल करती हूँ। प्रभु मैं जाऊँ, मेरे जान से पहले आपके स्वर्गदूत वहाँ पर तैनात हो जाए, आपके लोगों में सबको ढांप देती हूँ ताकि कोई अंधकार की शक्ति किसी में भी काम ना करे, प्रेम शांति आनंद मेल मिलाप के साथ जाए, प्रभु शांति प्रेम आनंद के साथ वापिस लौटने वाले बनू, किसी के साथ कोई मन मुटाव या खटास ना होने पर यीशु मसीह के नाम में। तो ऐसा ही होता है, पहले कभी जाती थी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बात पर कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता था, नोक झोंक या कोई बातें हो ही जाती हैं, लेकिन अब जब सीखा खुदा से और जब ऐसी प्रार्थना करके जाती हूँ तो सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शैतान की युक्तियाँ फिर चालू नहीं होती हैं। वो फूट डालने की कोशिश तो करता है लेकिन जब खुदा का आत्मा काम करता है वो फूट भी नहीं हो पाती है, वो फूट नहीं होने देता, क्योंकि अब समझ में आ गया कि युद्ध किसका है, युद्ध कौन
कैसा युद्ध हमारे जीवन में चल रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं कि उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, अब पता है कि उसके अंदर बोलने वाला वो शैतान की ताकतें हैं, उसको घुड़क दिया जाता है और इंसानों से वैसे ही प्यार किया जाता है। पहले होता क्या था, पता ही नहीं था तो इंसानों से नफरत कर रहे होते थे और एक दूसरे की शक्ल देखने भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन खुदा ने जब समझा दिया कि बेटा तेरा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, ये इस शरीर से नहीं है, युद्ध तो इसके अंदर काम करने वाली दुष्टता की शक्तियों से है, उसको घुड़क मेरे नाम से वो निकलेंगी। वो कहता है वो जिससे वो प्रेम करता है, वचन कहता है तो उसके बैरियों से भी उसका मेल करा देता है। सच में मैंने बहुत से अपने जीवन में देखे हैं लोगों को जो उनसे पहले नफरत करते थे, लेकिन आज खुदा ने हम सब में प्रेम का आत्मा दे दिया है, मेल का आत्मा दे दिया। क्यों? क्योंकि नफरत के बीज बोने वाले डीमन को जब निकाल दिया, घुड़क दिया यीशु के नाम में, तो फिर तो प्रभु का पाखरूही काम करता है, वो पाखरूही काम करता है। प्रियो आज जीवन में जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, डाइवोर्स केस हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके पीछे रीजन कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर काम करने वाली दुष्टता की शक्ति है। और वो सिर्फ एक ही नाम से वो जा सकती है, एक ही नाम से हमारे जीवन में शांति आ सकती है, क्योंकि शांति का राजा सिर्फ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। उसके नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। लड़ाई झगड़े के डीमन को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं, बीमारी के डीमन को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं, और कहते हैं गरीबी की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं अपने जीवन से। हर एक चीज़ को जब आप यीशु मसीह के नाम में घुड़केंगे और प्रभु से उनके आशीषों को मांगेंगे तो जीवन सच में बदल जाएगा, जीवन सच में बदल जाएगा। शैतान ने चारों ओर हड़कंपा मचा के रखा हुआ है, चारों ओर युद्ध, ये सारी चीज़ें, इंसान नहीं है वो, शैतान है जो सब पे होकर ये काम कर रहे हैं। हमें समझना है इन बातों को, हमें प्रेम और मेल मिलाप को बना कर रखना है। जहाँ आपको लगे कि वो बंदा यार वैसे तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों अभी ऐसे कड़वी बातें बोल गया, क्यों ही ऐसी बातें बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है कि प्रभु हम दोनों में प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा दे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कलीसिया के अंदर ही जिनसे हम ज़्यादा अटैच रहते हैं वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसी टाइम प्रार्थना कर दी जाती है कि प्रभु अगर कोई अंधकार की शक्ति हमें फूट डालने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं, प्रभु आप हम सब में प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा दें। वो एक घड़ी वो जाती है, उसी दूसरी घड़ी आती है तो बंदा ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों का कारण शैतान है। आप प्रार्थनाएं करें एक दूसरे के लिए, प्रेम और मेल मिलाप में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप का राजा है, वो कहता है सबसे मेल मिलाप से रहो, अपने समान दूसरों से प्रेम करो, उनके अंदर की आत्माओं को परखो कि वो कौन सी है। अगर वो गालियां दे रही है, वो कुछ कर रही है, आपके विरोध में कुछ बोल रहे हैं, वो इंसान नहीं बोल रहा, उसके अंदर होकर वो डीमन बोल रहा। अगर आज कहीं आपके जीवन में कोई ऐसे शख्स की कोई बातें आपके जहन में बसी हुई हैं जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप यीशु के नाम से उन सारी बातों को कैंसिल करें और फिर परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझ में और उसमें आप प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा दे। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर से कड़वाहट जो है वो निकल गई और आपके अंदर फिर कोई ऐसा रहेगा ही नहीं कि किसी ने आपको कुछ बोला या नहीं बोला, क्योंकि अब अंत का भी अंत समय आ चला है। अंत समय के बारे में कहते ना कि सचिन क्लाइव जी कि आप वीडियोस को आप देखें जो वो डेली पोस्ट कर रहे हैं कि अंत समय की जो प्रोफेसिस बाइबल के अंदर दी हुई है वो किस तरीके से क्लियर करके एक एक शब्द को हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे तैयार रहना है, अपनी जीवन अपनी आत्मा को हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये अंत का भी अंत आ गया है, कोई इसको माने या ना माने, ये घड़ियां जो लौट गई ये दोबारा नहीं आएंगी, ये समय जो मिला है बड़ा बहुमूल्य है, बड़ा प्रीशियस है, इसको व्यर्थ ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। प्रियो उस युद्ध को देखें, उस युद्ध को जांचें कि कौन ये काम कर रहा है और शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करें, तो देखें आपकी जिंदगी आपके जीवन बदल जाएंगे और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा, निरंतर काम करता रहेगा जब आप उस पाखरू को बुलाएंगे, पाखरू को बुलाएंगे और किसी नाम से करेंगे दुष्ट आत्मा नहीं भागेंगे क्योंकि वो सब उनकी टीम है, लेकिन यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इसीलिए यीशु के नाम पर ही, बाइबल के नाम पर ही, जब बाइबल की बात आती है, जब क्रिश्चियन की बात आती है, बाकी सब भड़क जाते हैं,
क्यों? क्योंकि सच्चाई के अगेंस्ट सब है। बुराई बुराई के साथ रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मुसलमान के पास भी जाती थी, मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, किसी ने नहीं बोला धर्म बदल दिया, कोई नहीं कुछ बोला। बाइबल हाथ में आते ही लोग धर्म बदलने का टाइटल लगा देते हैं। बहुत से परिवार के लोग तो बोलते भी नहीं है, जी ऐसे धर्म परिवर्तन कर लिया जी, ये कर लिया वो कर लिया। अरे गुरुद्वारे जाती थी तब तो नहीं कोई बोला धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान के आ गई तब तो कोई नहीं बोला धर्म परिवर्तन कर लिया। सच्चाई को जाना, सच्चाई में चलना सीख रहे हैं तो बोल दिया धर्म बदल दिया। क्यों? क्योंकि शैतान की क्या युक्ति है कि हम सच्चाई तक पहुंचे ही ना, हम सही जीवन को जीना सीखे ही नहीं, हम गालियां देते रहे, गलत काम में रहे। मैं व्यभिचार में थी, सब बड़े आदर से बात करते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, पता होने के बावजूद भी। लेकिन जब प्रभु में आ गई तो नजरें बदल गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई की तरफ आ गई। गंदगियों में थे तो सबको बहुत अच्छे लग रहे थे, गालियां दे रहे थे तो सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। अब बदल गए हैं, अच्छाई में आ गए तो बहुत से लोगों की आंख का कांटा बन गए हैं। प्रियो, हमें यह नहीं देखना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता और क्या नहीं सोचता, क्योंकि नया सन के सामने कोई किसी का साथ नहीं देगा। नया सन के सामने आपको अपनी आत्मा का हिसाब खुद देना होगा, मुझे मेरी आत्मा का हिसाब खुद देना होगा, हर इंसान को अपना हिसाब खुद देना होगा। वरना आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसने मुझे ऐसे बोला तो मैं ऐसे हो गई, मैं उसके डर से ऐसे हो गया तो वैसे हो गई। न्यायासन के सामने जो आपने काम किया उसका भुगतान होगा। अगर आपने गलत जीवन जिया है, गालियों में, व्यभिचार में, गंदगियों में जीवन जिया है, तो आप किसी का भी नाम लेंगे ना तो वहाँ कोई काम नहीं करेगा, वहाँ कोई काम नहीं करेगा। वो तो आपके काम जो आप इस पृथ्वी पर कर रहे हैं उसके हिसाब से न्याय होगा। और अगर अनंत आग में डाल दिए गए तो वापस से फिर वहां पर वहां से मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुड़ने का रास्ता अभी जीते जी है, जीते जी है। हम अपने मनों को फिरा सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अपनी गंदगियों को हटाकर, उन शैतान की शक्तियों को अपने जीवन से दूर करके जो हमें नरक के आगे लेकर जा रही है। आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे तो परमेश्वर आपकी आत्मा को बदलेगा। वो पाखरू को भेज, उसने हमारे लिए सहायक के रूप में भेजा है, वो हमारी मदद करता है हमें सही राह पर चलने के लिए। अभी कल ही की बात में अगर आपको बताऊं कि कल मेरे बड़े बेटे को थोड़ा उठा तो कुछ प्रॉब्लम हुई, सिर में दर्द, उसको दो तीन दिन से बोल रहे उठता है तो सिर में दर्द। तो उसको मैं ऐसे ही बोली, क्या तेरा रोज रोज सिर का दर्द हो रहा है? तो बस इतना ही बोलकर मैं आ गई और मैं कपड़े प्रेस करने लगी। तो पाखरू एकदम से मुझे गाइड किए, तो क्या बोलकर आई है? अगर वो चीज़ तेरे साथ भी होती और कोई तुझे ऐसे बोलता तो? मैं उसी टाइम प्रभु से सॉरी बोलूँगी, सॉरी प्रभु गलती हो गई, ये याद तो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे जैसे प्रभु की नजदीकी में जाते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में हमारी गलतियां तुरंत बता देता है कि ये तूने गलत बोल दिया, ये वर्ड तेरे गलत है, ये काम तेरा गलत है। और उसी समय जब सॉरी बोल दी जाता है, माफ़ी मांग ली जाती है, फिर वो सारी गलतियों को हमारी माफ़ कर देता है, फिर वो पलट के नहीं देखता। पहले ये बातें तो समझ में नहीं आती थी, हो पता नहीं कितनी बातों को ऐसे बोल दिया करते थे, फ्लो फ्लो में ना जाने क्या क्या बोल दिया करते थे। लेकिन अब छोटी सी भी बात गलत निकलती ना, पाखर उस समय कचोटता है कि ये गलत कर दिया तूने, तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि अब अंत का भी अंत आता चला जा रहा है, बिल्कुल नज़दीकी पर आ जा रहे हैं। चलो दुनिया का अंत का छोड़ो, हमारे जीवन का अंत कब है हमें तो ये भी नहीं पता। अगर ये आखिरी सांस, अगर आखिरी लम्हा है और उसी गलतियों में अगर हम चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में होकर जाएंगे, उसकी महिमा करते हुए जाएंगे, अपने जीवन को सही तरीके से जी कर जाएंगे तो अनंत सुख भी हमारे पास होगा। ये चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। प्रियो, अपने युद्ध को पहचाने और अपने सामने जो अगेंस्ट पार्टी आपके खड़ी है, जो डीमंस खड़े हैं, उनसे आप लड़ना सीखें और अपने जीवन को आप बहुत आय से आशीषित होते हुए देखेंगे, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे। और बस यही प्रार्थना करूँगी कि खुदा आपको सही राह दिखाए, सच्चाई से चले आप लोग और अपने जीवन को नरक में जाने से आप लोग बचाते चले जाएँ। बस यही दुआ है आप सब लोगों के लिए। सबको जय मसीह की।